और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सीधे आपको सदन लिए चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है पहले उसको बाहर निकालो, कुल 175 केसेस दर्ज हुए जिसमें से 118 में FR लग गई। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है कि 175 केसेस में से 118 में FR लगा देना और जो आरोपी नहीं है उनको लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, दूसरे दिन लेन देन करके छोड़ दिया जाता है, तो पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप ये विचार रखते हैं कि जितने भी साइबर केसेस ये फ्रॉड के हुए हैं उनकी ATS से या SOG से जांच करा के पूरी कार्रवाई कराने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में जो भरतपुर जिले और डिग्बी जिले के अंदर जितने भी मामले दर्ज हुए थे उसमें से अधिकांश मामलों के अंदर FR दी गई, और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है हमारी सरकार के अंदर, मैं माननीय सदस्य को मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो जितने भी मामले हैं उसके अंदर हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा, और हमने जो अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, मैंने पूछा क्या आप ये विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेला हो रहा है कामा में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं, 10-1 अपराधी होता है, 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है, तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या स्पेशल? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, और पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने ऐसे कोई इतने अरेस्ट करके और लोगों से पैसे लेके हमने नहीं छोड़ा है, फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्रवाई के लिए और बोल दूंगा। श्री समाराम, प्रश्न संख्या 403। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा PMGSY योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण साधारणतः गैर मुमकिन रास्तों एवं प्रचलित रास्तों पर किया जाता है। उप सड़कों की भूमि का नामांतरण विभाग के नाम पर दर्ज करवाने के लिए समय समय पर राजस्व विभाग के साथ सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। प्रशासन गांवों की ओर एवं राजस्व विभाग ग्रुप 6 के द्वारा वर्ष 2016 में चलाए गए रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 इत्यादि के दौरान सड़कों का नामांतरण विभाग के नाम दर्ज किए जाने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। इस आशय के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। बाकी पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में MLA लाइन के जो पैसे अपन देते हैं उसमें तरमीम रोड होना चाहिए या कागज मंगवाते हैं, इस प्रकार के जो पास नंबर का फॉर्म, ये दिक्कत आती है, बाकी इस पर जवाब देवे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिला परिषद में ये कागज मंगवाने का जो प्रक्रिया है, पास नंबर के फाइल किसी प्रकार से वो बजट पास नहीं करने का ही होता है, ये मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उप प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से संबंधित है, मैं इसका संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल, प्रश्न संख्या 404। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र शिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल बीमा मौसम सत्रों के लिए फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, जी नहीं, फसल बीमा योजना अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिए 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा गया है। खरीफ 2019 रबी 2022-23 तक के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम आकलित हुआ है, जिसमें से 7.12 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.4 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बारपत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला, कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला, यदि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला, कब तक बीमा किसानों को देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, खरीफ 2016 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवसाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। मोकलसर क्षेत्र में बीमा क्लेम का विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका जैसे ही विवरण आता है 2 महीने के अंदर यदि कुछ शेष है तो किसानों को देने का प्रावधान कराएंगे। खरीफ 2023 के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर पोर्टल व माध्यम से वितरणाधीन है, अति शीघ्र बीमा क्लेम जारी करा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, किसानों की फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसानों को अपनी फसल का पता नहीं रहता है कि जिस फसल का बीमा किया गया है इसके लिए सरकार किसानों को सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि किसान केसीसी में उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोता है तो नामांकन के अंतिम दिनांक खरीद के लिए 31 जुलाई तथा रबी के लिए 31 दिसंबर से 2 दिवस पूर्व खरीफ के लिए 29 जुलाई तथा रबी के लिए 29 दिसंबर तक फसल में परिवर्तन करा सकता है। श्री अर्जुन लाल, प्रश्न संख्या 2408। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 4 वर्षों में अभी भी योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। भीमगढ़ स्वीकृत वर्ष 2022-23, मध्य अभीम स्वीकृत राशि लाखों में 41 लाख, व्यय राशि 34,19,000, इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। नंबर 2 नीलोद उप स्वास्थ्य केंद्र 2022-23 में स्वीकृत हुआ, अभीम के माध्यम से 41 लाख स्वीकृत हुए, 34,10,000 तब तक कुछ नहीं व्यय हुए और ये कार्य पूर्ण हो गया है। तीसरा उप स्वास्थ्य केंद्र रुद 2022-23 अभीम के तहत स्वीकृत हुआ, 41 लाख स्वीकृत थे और व्यय हुए 35,46,000,
ये जो तीन है वो स्वास्थ्य केंद्र, इनका कार्य पूरा हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र खंड दो, विधानसभा क्षेत्र कपासन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चार उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त है एवं दो पर उप जिला चिकित्सालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दो उप स्वास्थ्य केंद्रों की नवीन भवन की स्वीकृति जारी किया जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में शेष स्थानों की स्वीकृति जारी किए जाने पर विचार है। अध्यक्ष महोदय, कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में दो सदन की कार्यवाही यहां पर लगातार चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में विपक्ष का शोर शराबा लगातार। आपसे को बड़ी अपडेट्स इस खबर से जुड़ी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी जयपुर से ही है, जहां पर वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने के मामले में आरोपी रमेश कुमार राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की गिरफ्त में आया आरोपी रमेश राणा को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड दिया जाएगा। बता दें कि एसओजी की अजमेर यूनिट ने रमेश मीणा को पकड़ा था। रमेश ने अपने प्रवेश पत्र में कांच छाट कर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई थी। एसओजी के मुताबिक रमेश ने संस्कृत विषय के लिए निकाली गई भर्ती में समान ज्ञान परीक्षा को पेपर सुरेश कुमार गोदारा और हिंदी विषय का पेपर दिनेश कुमार से अपनी जगह परीक्षा में बैठाकर दिलवाया था। अलवर सरिस्का क्षेत्र में बने सिलीसेड़ झील से जयसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में होटल और फार्म हाउस चार दीवारी को तोड़ने के लिए सुबह 7 बजे से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले बहाव क्षेत्र में की गई चार दीवारी को बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया है और इसके बाद निर्माणाधीन होटल नटनी हेरिटेज को भी तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बहाव क्षेत्र में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं, जिनमें से दो बड़े होटल भी हैं, कुछ अन्य चार दीवारी और छोटे मोटे मकान भी हैं, पक्के निर्माण भी हैं, कुछ बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, उनको भी तोड़ने का सिलसिला जारी है। सोलह अवैध निर्माण इरिगेशन विभाग ने जो चिन्हित किए गए थे, जल संसाधन विभाग ने, उन्हीं का चिन्हीकरण पहले भी हो चुका है। उनकी लिस्ट जारी हुई थी पहले, उनको नोटिस भी जारी किए थे, तो उन्हीं के ऊपर नियमानुसार आज कार्रवाई की जा रही है, विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एज अ मौका मैजिस्ट्रेट हम मौजूद है और पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल। सिल्ली सेड की वेस्ट वियर से जयसमंद की तरफ जाने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में पूर्व के सर्वे विभाग द्वारा पूर्व की इसके अनुसार चिन्हित किए गए थे 16 अतिक्रमण, जिनकी सूचना हम विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की गई थी। झुंझुनू में इन दिनों शातिर ठग महिलाओं को बातों में उलझाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। शातिर ठगों की गैंग ने जिले में दो घटनाओं को अंजाम देते हुए 4 लाख के गहने, मोबाइल और नकदी ठग ली। चिड़ावा और झुंझुनू शहर में दो महिलाएं इन शातिर ठगों की शिकार हुई। एक महिला यूको बैंक के पास रहने वाली महिला सुबह मंदिर से जब घर लौट रही थी, रास्ते में दो ठगों ने उससे एक डॉक्टर का पता पूछा। सुबह ने गली में कोई डॉक्टर नहीं होने की बात कही। इसके बाद दोनों ने महिला को बातों में उलझाकर गहने और कैश ठग लिए। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। इसमें घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी जांच वो दायरे में है, कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस को 40 से 42 साल के दो अधेड़ बदमाश महिला से बात करते हुए पर्स और मोबाइल ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। खबरपाली से, जहां पर सोमवार को झमाझम बरसात हुई और भारी बारिश के बाद कई इलाकों में अब तालाब जैसी स्थिति बन गई है। आज सवेरे एक बार फिर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से 30 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। आज सबसे ज्यादा खराब हालात रामदेव रोड, रजत नगर, सिंधी कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, आशापुरा नगर की बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि लोडिया, लाखोटिया तालाब ओवरफ्लो होने से इन सभी बस्तियों में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी चल रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो बस्तियां जलमग्न हैं, उन्हें राहत सामग्री के लिए समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं। दूध खाने के पैकेट प्रभावित लोगों को पहुंचाने का काम शुरू किया गया है।
वाराणसी में दो जर्जर मकान गिर गए हैं। हादसे में इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई है। दो महिलाओं की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में दो मकान दरअसल गिर गए थे। इसमें 9 लोग दबे थे मलबे के नीचे, जिनमें से 2 को खुद वहां पर निकल आए। हालांकि 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे के बारे में अधिकारियों से खुद जानकारी ली है। उधर केदारनाथ में भी राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। केदारनाथ ऑपरेशन पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन पूरा हुआ, करीब 12,000 लोगों को केदार घाटी से निकाला गया। आज मौसम ठीक होने के बाद चिनूक और MI-17 से भी राहत अभियान चलाया गया। तो पहले ही 10,000 लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन इसके बाद मौसम खराब हो गया था, लिहाजा राहत बचाव का काम रोकना पड़ा। लेकिन जब मौसम एक बार फिर ठीक हुआ तो फिर इन फाइटर जेट्स यानी कि MI-17 और चिनूक उड़ान भरते हुए नजर आए। और अब पूरा ये जो सर्च ऑपरेशन था, जो राहत बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसे पूरा कर लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी, अब तक 12,000 लोगों को केदार घाटी से बाहर निकाला गया है। नदियों में उफान है, आफत में जान है, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से भी आ रही हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब लोगों के लिए चुनौती बन गया है। राजस्थान में आफत का सैलाब, बूंदी में रातों रात लहरों ने मचाया हाहाकार, जैसलमेर में कुदरत का प्रचंड प्रहार, मूसलाधार बारिश और सैलाब ने इस वक्त कई राज्यों की चूले हिला रखी हैं। बांधों से निकला पानी शहरों पर कहर बनकर टूट रहा है। कुदरत के इस डरावने रूप का नया शिकार है राजस्थान, जहां कई शहरों में बारिश और बाढ़ ने दहशत पैदा कर दी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें बूंदी की है, जहां 12 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बिगाड़ दी। बाढ़ की प्रचंड लहरों ने देखते ही देखते पूरे शहर को अपने शिकंजे में कस लिया। यहाँ सड़क, दुकान, घर, सब कुछ पानी में डूब गया। बूंदी में बाढ़ का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। रात के वक्त की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर ये कार तिनके की तरह बही जा रही है। बाढ़ का पानी इतने प्रचंड वेग में था कि इन लहरों के सामने जो आया वो अपने कदम टिका नहीं पाया। बताया जा रहा है कि बूंदी में आतंक का सबब बन चुकी ये लहरें नवल सागर डैम से छोड़े गए पानी का नतीजा है। रातों रात आई इस आफत की वजह से ना तो किसी को संभलने का मौका मिला और ना चीजों को सुरक्षित करने का। नतीजा ये हुआ कि अब लोग राहत और बचाव की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां पहली बारिश ने ही अपना ट्रेलर दिखा दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक दिन की बारिश ने सीजन का आधा कोटा पूरा कर दिया है। पूरे शहर में सैलाब जैसे हालात हैं, कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं, कई इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें अजमेर की अराई तहसील की हैं। यहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि पानी के बढ़े दबाव की वजह से बांध कभी भी जवाब दे सकता है। यही वजह है कि प्रशासन से मदद मांगी जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां गिरना नदी में अचानक आए उफान की वजह से ये लोग चट्टान पर फंस गए। बताया जा रहा है कि रविवार को ये लोग मौज मस्ती के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक सैलाब ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस
इस मिशन पर सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया, जिसके जरिए सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यहाँ सोन नदी में जबरदस्त सैलाब है, जिसके बाद कई लोग इस बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। सभी को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। उधर केदार घाटी में फंसे लोगों को MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक मौसम साफ नहीं होने की वजह से हेलीकॉप्टर को मिशन पर नहीं लगाया गया था, लेकिन जैसे ही केदार घाटी में मौसम साफ हुआ, हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव की 100 खबर।